गुड मॉर्निंग। आप लोग स्वस्थ होंगे ऐसी कामना है। और आज चलते हैं भोले बाबा के दरबार में। सावन का आज तीसरा सोमवार है, तो आज दिन की शुरुआत करते हैं भगवान शिव के दर्शन करके। आइए चलते हैं टिक्सी टेम्पल पर। करपूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रियारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओ हेलो दोस्तों, ये देखिए इसका वीडियो तो हम पहले भी बना चुके हैं टिक्सी टेम्पल का। आज हम ये दूसरी बार आए हैं वीडियो बनाने के लिए। और ये देखिए जैसे सीढ़ियाँ चढ़ के हम आए थे, सीढ़ियाँ चढ़ते ही एक प्रांगण है, मतलब मैं इसको आंगन टाइप बोलते हैं, अपनी भाषा में आप कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आके सब जूते चप्पल उतारते हैं और फिर इसके बाद फिर चलते हैं इसके ऊपर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर मुख्य मंदिर के चारों कोनों पर एक एक मंदिर बना हुआ है, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार की मूर्तियों की स्थापना की गई है। बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ देखिए शिवलिंग की स्थापना है, ऐसे ही अन्य जगह देखेंगे अलग अलग स्थापना की गई है, बहुत सुंदर। कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पर, कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए पीछे ये रास्ता जाता है ग्वालियर के लिए, और इसके पीछे यहाँ पर है यमुना जी, और ठीक एक रास्ता इधर जाता है, ये ग्वालियर बाईपास यानी लाइन सफारी के लिए। और ये देखिए यहाँ से शहर का नज़ारा कैसा लग रहा है। इसके चारों तरफ एक एक मंदिर है, उधर भगवान शिव थे, इधर इधर काली देवी, इस तरीके से चारों तरफ चारों कोने पे एक एक मंदिर स्थापित है। ये देखिए सीधा ग्वालियर के लिए जो रास्ता जाता है, और इसी पे आगे काली वहाँ माता का मंदिर भी पड़ता है। ओ
वाटर प्लांट है जो शहर का गंदा पानी आता है उसको फिल्टर किया जाता है, फिल्टर करके फिर यमुना जी में डाला जाता है। तो वो जो पानी दिख रहा है, ये जो पानी दिख रहा है भरा हुआ, वो वाटर प्लांट है। शहर के गंदे पानी को साफ करके यमुना जी में डाला जाता है। हर हर शंभो। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदेश्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशे वाशं भजेहं। निराकार मोंकारे मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीत मीशं गिरीशं। करालं महाकाल कालं कृपालं। हेलो दोस्तों, आज सावन का सोमवार है, तीसरा सोमवार है आज सावन का, और इसलिए कहीं और ना जा सके तो हमने कहा चलो आज भगवान भोले बाबा के दरबार में चलते हैं। और हम आए थे टिक्सी टेंपल। ये शिवलिंग गुरु वशिष्ठ जी द्वारा स्थापित है, तो बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत मन प्रसन्न हो गया दर्शन करके। और आप लोगों ने भी किए होंगे, थोड़ा सा क्लिप मैंने डाला हुआ है। अब हम चलते हैं अपने गंतव्य पे और ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। देखते रहिए YouTube चैनल एहसास प्रकृति का। और व्रत भी था इसलिए, और आज इनका फास्ट भी है मैडम का, तो आज कहीं बाहर नहीं जाएंगे, यहीं देखते हैं। और मिलते हैं हम आपको अगले ब्लॉग में। देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।